नमस्कार. हम वी आर सिटिंग इन द गीर फॉरेस्ट वेयर देयर इज एन एफ्रो कम्युनिटी कॉल्ड द सिद्धि बादशाह एंड दे ड्रॉ द लीनेजेस फ्रॉम अ ह्यूज रूल ऑफ द एफ्रिकन कम्युनिटी इन एन ओशन फोर्ट कॉल्ड जंजीरा. And there was that fort was never captured. It's off the coast in Maharashtra. Maharashtra ke paas jo Janjira ek kila hai, jo ki Hind Mahasagar ke beech ko beecho beech hai, aur log jaate hain wahan par Janjira mein jo Africa ke jo log the, unhone kafi raj kara. और ये लोग मानते हैं कि मलिक अंबर की औलादों में से और उनकी कम्युनिटी से हैं. दे बिलीव दैट दे आर फ्रॉम द एब्सिनियन स्लेव्स और कॉल फ्रॉम मलिक अंबर हु वाज अ वेरी वेल नोन पर्सन इन द आर्मी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. आपका नाम क्या है? इमरान इज अ टूरिस्ट गाइड इन द फेमस गीर फॉरेस्ट. इमरान गीर अरण्य में टूरिस्ट गाइड हैं और मैं आज इनकी दरगाह में गई थी जो कि जूनागढ़ में है, मगर आज मैं इमरान से कुछ चीज़ें बात करना चाहूँगी. मुझे पता लगा है कि इस इलाके में आपके कौम के करीब 8,000 लोग हैं. 10,000 उसका जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में बस्ती है ना, 10,000 की. अच्छा, और आपको स्पेशल स्टेटस स्पेशल ट्राइब की तरह शेड्यूल ट्राइब में ये लोग आते हैं, सिद्धि बादशाह करके. और एक चीज़ ये यहाँ इस इलाके में एफ्रो कम्युनिटी जो है वो ज़्यादातर मुसलमान हैं. और ये लोग एक इनकी दरगाह है, दे हैव अ सूफी दरगाह एंड दे कम्युनिटी सेंट इज कॉल्ड बाबा गोर. आप कुछ बताएंगे बाबा गोर के बारे में, कहाँ से आए थे, क्या है इसमें, क्या है जो पहले थोड़ा बोले होंगे बहुत लोगों के साथ. इसमें क्या है, बोले भी है. अभी हमारा जो ट्राइबल डांस होता है ना धमाल, इसमें हम लोग 7 दिन तक 8-8 प्रोग्राम रहता है, 1 प्रोग्राम रहते हैं तो उसमें आवाज़ करना पड़ता है ना, इसलिए आवाज़ बैठ जाता है. जैसे कि आप बताइए. हाँ, जैसे कि क्या बोलते हैं, हमारा जो सॉन्ग रहता है बाबा गोर का सॉन्ग रहता है. हाँ, थोड़ा बहुत स्वाइली का सॉन्ग आता है. हाँ, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इन लोगों के दे दिस इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन. ये एक तरीके का डॉक्यूमेंटेशन है, खास तौर जो बादशाह सिद्धि समूह है. द कम्युनिटी कॉल बादशाह सिद्धि कम्युनिटी. They were brought by the Nawab of Junagarh as labor. Interestingly, though they have integrated into India, they remain marginalized. They still remain labor. They have their own sacred spaces like this Dargah of Baba Gol. This is the largest of their sacred spaces in Junagarh. Some of them also reside in the Gir forest, and many of these Siddhi Badshah one can find along the western coast doing labor work. Now what is interesting, this is Almas, and this is Senaj. And this is the tomb of their Baba Gol. Now Baba Gol, which I will show you and we will show you. But what is interesting that they have very little memories of their African culture. Malida. So one of the cuisine that they have is called Malida, which are like round balls, laddu hote hain Malida, jisme khub meva dali jati hai, ghee dala jata hai, aur usko chadhave ki tarah prasad they offer it to their sacred saint. Also these the wonderful phrase they use, dhamal khelna, that is the offering of spiritual experience in terms of dance and African drums. Yes. So we will show you that as well.
Thank you very much. And this is Junagarh. We have brought to you many vignettes.